हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसी केस के बारे में। सीसी केस क्या होता है? सीसी केस का फुल फॉर्म देखेंगे हम, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स टेस्ट। ये आरसीबी और सीपी के लिए हम करते हैं ये केस को। मतलब आरसीबी मतलब रेटोकोक्लियर पैथोलॉजी है पेशेंट में, या फिर कोक्लियर पैथोलॉजी है उनके लिए हम करते हैं। तो जैसे कि इसके नाम में ये शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, मतलब कि शॉर्ट मतलब कि छोटा इंक्रीमेंट होता है, उसको पहचानना पड़ता है। सेंसिटिविटी इंडेक्स मतलब उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है, किसको? पेशेंट को। तो उसके नाम में लिखा है शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है। ये दिया किसने? जर्गर ने, सेड ने और हार्टफोर्ड ने 1959 में दिया। इसको हम करते कैसे? तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट रहेगा उसको हम हेडफोन फ्लैश करेंगे, ठीक है। उसका किस जो जिस ईयर में हमको टेस्ट करना है, मतलब सीसी टेस्ट जिस ईयर में करना है, ये जानने के लिए कि उसको रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी है या कोक्लियर पैथोलॉजी, ये जानने के लिए हम उसको हेडफोन फ्लैश किया। उसमें हम क्या करेंगे कि उस पेशेंट को हम 20 dB SL पे कैरियर टोन देंगे। 20 dB SL का मतलब क्या रहेगा कि मान लो उसका थ्रेशोल्ड एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, उसका थ्रेशोल्ड मान लो 20 आया या 30 आया या 40 आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 40 आया, 40 का 20 dB SL मतलब 40+20 करेंगे, उसको हम एक यूज़ करेंगे कैरियर टोन। कैरियर टोन का मतलब ये होगा कि एक लगातार आवाज़ आएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पेशेंट को पहले इंस्ट्रक्शन देंगे सबसे पहले कि अभी आपको एक लगातार आवाज़ आएगी, ठीक है। उस लगातार आवाज़ में बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज़ और थोड़ी सी बड़ी हुई लगेगी, मतलब कि सुपर इम्पोज होकर आपको मिलेगी। जैसे कि मान लो कैरियर टोन आ रही है, कैरियर टोन का मतलब ये आ रहा है कि कंटिन्यूसली एक टोन आए, ठीक है। फिर बीच 5 सेकंड इंटरवल के बाद में एक इंक्रीमेंट मिलेगा, कितने का? 200 मिली सेकंड का, ठीक है। ये लिखा हुआ 200 मिली सेकंड का 1 dB इंक्रीमेंट मिलेगा, सुपर इम्पोज हुआ किस पे? कैरियर टोन पे, ठीक है। और ये जो कैरियर टोन है मतलब जो 1 dB का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हर 5 सेकंड के अंदर होगा, ठीक है। तो हमको ये पेशेंट को नहीं बताना कि आपको हर 5 सेकंड के अंदर आपको सुपर इम्पोज होगा, बस हम करते मतलब होता कैसे मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ, फिर हम करेंगे कैसे उस चीज़ के बारे में आगे हम देखेंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि 20 dB SL पे क्या होगा, हर मतलब 20 मिली सेकंड के लिए 1 dB का इंक्रीमेंट होगा। उसको पेशेंट को क्या रहेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि पेशेंट को हेडफोन लगा हुआ है, उसके उसमें कैरियर टोन आ रही है, कैरियर टोन के हर 5 मिली सेकंड में एक इंक्रीमेंट मिलेगा 1 dB का, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो आ रहा है टू, इसमें क्या एक कैरियर टोन आ रही, उसमें 200 मिली सेकंड के लिए एक 1 dB का इंक्रीमेंट हो रहा, मतलब कि 200 मिली सेकंड के लिए एक 1 dB का इंक्रीमेंट हो रहा। और पेशेंट को ये बोलना है कि आपको जैसे ही वो इंक्रीमेंट हो या जैसे ही आपको एकदम से आवाज़ बढ़ती हुई महसूस हो या आपको सुनाई दे, उस टाइप पे आपको क्या करना, उंगली आपकी राइज करना। तो जब वो उंगली राइज कर रहा है तो वो क्या क्या बता रहा है कि वो उस चीज़ को पहचान पा रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा है कि हाँ उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। अब उसमें क्या करेगा कि जो टेस्ट रहेगा सीसी टेस्ट, उसमें 20 टाइम जो रहेगा 1 dB का इंक्रीमेंट होगा। उससे क्या हमको मिलेगा कि उससे हमको ये मिलेगा कि सॉरी 20 टाइम 1 dB का इंक्रीमेंट होगा, तो उससे हमको क्या मिलेगा कि जो पेशेंट रहेगा उसको पहचाना रहेगा 20 dB का मतलब 1 dB का इंक्रीमेंट 20 टाइम हो रहा है, तो वो पहचानेगा। जितनी बार वो पहचानेगा उतनी बार हम उसका फिर परसेंट निकाल लेंगे। फिर परसेंट के बेस पर हम बताते हैं कि इसमें रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी है या कोक्लियर पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल मान लो उस पेशेंट ने जब हमने कैरियर टोन जो हमने दिया, ये कैरियर टोन हमने दिया, उसमें 1 dB का इंक्रीमेंट किया, 20 बार हमने इंक्रीमेंट किया, टेस्ट जो रहेगा वो 20 बार इंक्रीमेंट करेगा, और पेशेंट जो रहेगा उसने मान लो 3 बार पहचाना। तो हम इसको परसेंट कैसे निकालेगा कि 3 बार उसने पहचाना है, तो 3 × 5 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 15%, ठीक है। क्योंकि 20 बार है, 20 × 5 करोगे आप तो 100 आ जाता है, 100%। वैसे ही अगर उस पेशेंट ने 3 बार पहचाना, क्योंकि हमको टोटल कितना निकालना, 100% का स्कोर निकाला कि 100% में से मतलब कि हम 20 बार उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पेशेंट कितनी बार पहचान पा रहा। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल वो 3 बार पहचान पा रहा, तो हम उसे जब परसेंट देंगे तो 5 × 3 हो जाएगा 15%। 15% का मतलब क्या रहेगा कि जो जर्गर है, जर्गर ने ये बोला था कि अगर मान लो पेशेंट जो रहेगा उसमें बिलो 30% आ रहा है, ठीक है, अगर जो सीसी स्कोर रहेगा वो बिलो 30% आ रहा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो पेशेंट रहेगा वो लो रहेगा, या फिर वो उसमें जो सीसी टेस्ट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो ये क्या, अगर नेगेटिव है या फिर लो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि उस पेशेंट में रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी। वहीं जर्गर ने एक बात और ये बोली थी, अगर ये जो स्कोर आ रहा है ये अगर 70% से ऊपर आ रहा है, अगर ये स्कोर जो है 70% से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये सीसी टेस्ट जो रहेगा ये हाई रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा। हाई और पॉजिटिव का मतलब क्या रहेगा कि ये कोक्लियर पैथोलॉजी को बताता, पर जो जर्गर जो था वो ये बताने में मतलब ये नहीं बता पाया कि जो
30% और 70% के बीच का जो एरिया है, बीच का जो स्कोर है, वो किस में लाई करेगा? मतलब कोकलियर पैथोलॉजी होगा या रेट्रो कोकलियर पैथोलॉजी? उन्होंने बोला या तो कोकलियर भी हो सकता है या रेट्रो कोकलियर भी हो सकता है, पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अगर 30% से कम आ रहा है तो वो रेट्रो कोकलियर मानेंगे, उसको RCP के अंदर कंसिडर करेंगे, और अगर 70% से ज़्यादा आ रहा तो उसको हम CP मतलब कोकलियर पैथोलॉजी के अंदर कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने जब कोकलियर पैथोलॉजी हो रहा है तो उन्होंने ये देखा कि CC टेस्ट जो रहेगा वो हाई रहेगा या पॉजिटिव रहेगा अबव द 70%, और बिलो 30% उन्होंने ये बोला था CC टेस्ट रहेगा वो लो रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, तो उसको हम RCP के अंदर कंसिडर करेंगे। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमने तो देखा कि ये टेस्ट कैसे होता है, पर टेस्ट देखने से पहले हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे, क्या चीज़, किन चीज़ों का? कि पेशेंट को पहले फेमिलियराइज करवाना पड़ता है, मतलब 1 DB एक छोटा सा इंक्रीमेंट होता है, हो सकता है पेशेंट पहचाने ही नहीं, तो उसको पहले इस चीज़ के लिए फेमिलियराइजेशन करवाना करेगा। तो फेमिलियराइजेशन करवाने के लिए क्या पड़ेगा, जो इंक्रीमेंट हम 1 DB का कर रहे थे, ये इंक्रीमेंट हम करेंगे 5 DB का। 5 DB का इंक्रीमेंट क्या रहेगा कि एक टोन कैरियर टोन आ रहा है, 5 DB थोड़ा बड़ा रहेगा, तो उसको पहचानना इजीली रहेगा, मतलब आसान रहेगा उसको, तो हम उसको क्या करते हैं 5 DB का इंक्रीमेंट करते हैं स्टार्टिंग में, जब उसको हम फेमिलियराइजेशन करवाते हैं। मतलब ये केस कैसे होता है मैंने ये बता दिया, केस करने से पहले हमको किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज़ ये रहेगा कि उस पेशेंट को फेमिलियराइजेशन करवाना पड़ेगा, मतलब उस पेशेंट को पहचानना तो पड़ेगा ना कि उसको करना क्या है। उसको ये बताना है कि आपको लगातार एक आवाज़ आएगी, उस आवाज़ में से एकदम से आवाज़ बढ़ती हुई जब आपको महसूस हो उस टाइम पर आपको आपकी उंगली उठाना है, उंगली उठाएगा इसका मतलब क्या है कि उसको आवाज़ भी पहचान रहा है, तो उसको हम पहले फेमिलियराइजेशन करवाएंगे। फेमिलियराइजेशन जो करवाएंगे वो 5 DB से करवाएंगे। उसके बाद में हम एक दूसरी एक और देखते हैं केस ट्रायल। केस ट्रायल का मतलब ये रहता है कि मान लो हमने जैसे बताएंगे आप हर 5 सेकेंड में उस इंटरवल में उसको इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 DB का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 DB का इंक्रीमेंट हो रहा है। केस में हम 1 DB का करेंगे, बाकी फेमिलियराइजेशन के लिए हम 5 DB करेंगे। तो ऐसा नहीं हो कि पेशेंट इस चीज़ से अवेयर हो जाए कि हर 5 सेकेंड में उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो बिना आवाज़, अगर आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा फिर भी वो उंगली खड़ी कर रहा, तो इस चीज़ से भी हमको बचना है कि पेशेंट को तभी उंगली अपनी राइज करना है या हैंड तभी राइज करना है जब उसको आवाज़ एक्चुअल में परसीव हो रही है या वो एक्चुअल में उस इंक्रीमेंट को पहचान पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, केस ट्रायल करेंगे। केस ट्रायल में क्या करते हैं, जो हम 1 DB का इंक्रीमेंट करते हैं ना वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि पेशेंट एक्चुअल में उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसमें एक केस ट्रायल और फेमिलियराइजेशन इस केस को करने से पहले हम उन पेशेंटों में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।